Hello everyone, myself Rahul Kumar Sinha. Today I am going to explain the principles of forensic science. Clear? So let's begin. The law and principle of all the sciences created the basis of forensic science. Clear? Means जितने भी basic science हैं उन सब का जो भी law है वो कहीं ना कहीं forensic science का base है. Apart from this, forensic science have its own 7 fundamental principles. That is law of individuality, law of exchange, law of progressive change, principle of comparison, principle of analysis, law of probability, and the last is circumstantial facts. So we will learn one by one. First one is law of individuality. Basically this law is given by the Paul Kirk in 1963. Okay. And it is regarded as a building block of forensic science. This law basically states that every entity or every articles, whether person or object, cannot be exactly can only be a identical and individual to itself. So each and everything is unique. Means no two object, whether natural or artificial, can be exactly the same. Means लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी बेसिकली ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो बखूबी नज़र ऐसा आ रहा हो दोनों सेम है बट एग्जैक्टली कभी कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो सकता. क्लियर? कहीं ना कहीं उसके मैन्युफैक्चरिंग में, कहीं ना कहीं उसके यूज एंड मिस यूज से, या फिर कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के इवेंट से उसमें चेंजेज रहते ही रहते हैं. क्लियर? इट मीन्स एनी थिंग एंड एवरी थिंग इन्वॉल्व इन द क्राइम हैज इंडिविजुअलिटी. सो द कल्प्रिट इज यूनिक. किसी भी क्राइम का कल्प्रिट यूनिक होगा. हिज मोडस ऑपरेंडाई इज यूनिक. मोडस ऑपरेंडाई इज बेसिकली द वे ऑफ कमिटिंग क्राइम और वे ऑफ कमिटिंग सब इवेंट्स. मीन्स कोई भी क्राइम को कैसे कमिट किया जाए, उसका वे क्या है, तरीका क्या. ठीक है? दैट विल बी ऑल्सो यूनिक. एंड हिज वेपन्स ऑफ क्राइम इज ऑल्सो यूनिक. ठीक है? सीन ऑफ क्राइम इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी केसेस. एंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द क्राइम सीन आर यूनिक. सो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि हम एक चीज़ को दूसरे से कोरिलेट कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट, करेंसी नोट, फायरआर्म एक्सेट्रा. मीन्स कभी भी दो पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, कोई भी करेंसी नोट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता. क्लियर? सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एक्सचेंज. दिस लॉ इज बेसिकली गिवन बाय द एडमंड लोकार्ड. ओके? एंड इट स्टेट्स दैट व्हेन क्रिमिनल और हिज व्हेन हिज इंस्ट्रूमेंट्स कम्स इन कंटैक्ट विद द विक्टिम और द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग हिम, ही लीव्स सम ट्रेसेस. ओके? लाइक वाइज द क्रिमिनल एंड हिज वेपन क्राइम पिकअप सम ट्रेसेस फ्रॉम द विक्टिम एंड द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द क्राइम. मीन्स बेसिकली जो लॉ ऑफ एक्सचेंज जो है, लॉ ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली जो प्रिंसिपल है एडमंड लोकार्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि बताता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट कंटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं देयर में भी अ चांसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस. मीन्स कुछ पार्टिकल उसका जो है उस क्राइम सीन पर छूटेगा और कुछ क्राइम सीन से क्रिमिनल जो है वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेस पार्टिकल अपने पास लेकर के जाएगा ही जाएगा. क्लियर? दैट इज लॉ ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो. ठीक है? एग्जाम्पल इफ अ क्रिमिनल इंटर अ बिल्डिंग थ्रू अ वेंटिलेटर. ठीक है? एंड ही लीव्स हिज फुटप्रिंट इन अ डस्ट डिपॉजिट ऑन द सिल. शू प्रिंट, ही ऑल्सो पिकअप सम डस्ट फ्रॉम द प्लेसेस. मीन्स कि जब अगर सपोज कोई क्रिमिनल है किसी बिल्डिंग में इंटर करता किसी वेंटिलेटर से, ठीक है, तो वहाँ पर चांसेस क्या है कि उसका फुटप्रिंट वहाँ पर मिल सकते हैं. यदि वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह डिपॉजिट है तो वहाँ पर उसके फुटप्रिंट मिलने की चांसेस हैं. और ये भी चांसेस है कि उस क्राइम सीन से डस्ट पार्टिकल कहीं ना कहीं क्रिमिनल जो है अपने सू के साथ लेकर जाए. ठीक है? तो मीन्स देयर इज द एक्सचेंज ऑफ मैटर, राइट? एंड इट इज इन दिस लॉ ऑफ एक्सचेंज इट स्टेट दैट द वेन टू ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट देयर विल बी चांसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर्स. क्लियर? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. इट स्टेट दैट एवरी थिंग चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके? एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज ह्यूज बिकॉज क्राइम सीन एंड द क्रिमिनल अंडर गो अ चेंजेज एंड समटाइम बिकम द अनरिकोगनाइजेबल. मीन्स कोई भी वस्तु जो है समय के बाद चेंज होता है. ठीक है? एक पैसेज ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई चीज़ में चेंजेज आती हैं. ठीक है? चाहे वो यूज एंड अब्यूज के कारण हो,
ठीक है, जैसे कि हम कोई स्विच को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत दिन के बाद उसमें वेयर एंड टीयर के कारण उसमें चेंजेज आएंगे, उसके सरफेस में चेंजेज आएंगे, उसके मैटर में चेंजेज आएंगे, मटेरियल में चेंजेज आएंगे, ठीक है। कभी कभी क्रिमिनल भी जो है अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं, बहुत समय अगर ट्रायल चलता रहता है तो क्रिमिनल जो है पहचान में नहीं आते हैं। दैट इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, मीन्स कि ईच एंड एवरी थिंग इज चेंज विथ इंटरवल ऑफ टाइम। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। एविडेंस अंडर गोज चेंजेज, राइट, क्राइम सीन ऑल्सो गोज चेंजेज, क्रिमिनल ऑल्सो गोज चेंजेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बैरल ऑफ द फायर आर्म यूज इन द क्राइम सीन, इट विल लूज इट्स मेटल, राइट, आफ्टर द यूजिंग सो मेनी ऑफ फायरिंग और आफ्टर द यूजिंग ऑफ फ्रिक्वेंटली फायरिंग, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइक इन द केस ऑफ आई हैव टोल्ड दैट द वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ द शूज, ठीक है, मीन्स द डिग्री ऑफ चेंज डिपेंड अपॉन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज और मिस यूज ऑफ द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मीन्स कि कोई चीज़ कितना चेंज होगा ये डिपेंड करता है उसके टाइम पे, कि कितना टाइम हुआ है और कैसा यूज किया गया और इसका कैसा मिस यूज किया गया। और यदि बायोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, ठीक है, तो बायोलॉजिकल एविडेंस जो है इंस्टेंटली चेंज करने का उसमें प्रॉपर्टी होती है। सपोज कोई ब्लड जो है क्राइम सीन पर मिलता, ठीक है, शुरू में तो स्टार्टिंग में वो लिक्विड फॉर्म में था, बाद में वो जा करके ड्राई फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, बाद में डिकेड हो जाएगा। तो मीन्स ईच एंड एवरी थिंग चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंपेरिजन, मीन्स ओनली द लाइक कैन बी कंपेयर विद द लाइक। मीन्स कोई भी दो वस्तु एक जैसे जो दिखे वहीं कंपेयर हो सकती है, ठीक है। मीन्स डिफरेंट सैंपल मस्ट ओनली बी कंपेयर टू द सैंपल विच आर एलाइक। इन अदर वर्ड, ब्लड सैंपल कैन बी कंपेयर टू अदर ब्लड सैंपल ओनली। ऐसा नहीं है कि हम ब्लड सैंपल को हम यूरिन से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। फाइबर कैन बी कंपेयर विद द फाइबर ओनली, राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इन मर्डर केस बुलेट इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेथ बॉडी एंड द एक्सपर्ट ओपिनियन इज दैट द बुलेट इज ऑफ पिस्टल। इन दैट केस देर इज नो यूज ऑफ बुलेट ऑफ द राइफल फॉर द कंपेयर। मीन्स कि यदि कोई सी मर्डर केस में अगर कोई बुलेट रिकवर होता है और एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है कि ये बुलेट जो है किसी पिस्टल से निकली हुई है, तो उस केस में अगर हम राइफल के बुलेट से कंपेयर करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरिजन, और उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं निकल के आना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, इट स्टेट दैट द एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैंपल एनालाइज्ड। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ एनी एनालिसिस इज डिटरमाइंड बाई क्वालिटी ऑफ सैंपल एनालाइज्ड। जो मतलब पहले से हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, जो भी प्रॉपर हम कलेक्शन कर चुके हैं, प्रॉपर प्रिजर्व कर चुके हैं, इस चीज़ पर हमारा एनालिसिस जो है डिपेंड करेगा। सो वी हैव टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर एनालाइजिंग इट, क्लियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर सैम्पलिंग ऑफ द एविडेंसेस, राइट, प्रॉपर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एनालिसिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल सीमेन स्टेन इन रेप केसेस। सपोज कोई रेप का केस है, ठीक है, और विक्टिम से क्लोथ फाइंड आउट हुआ है जिसपे कि ब्लड स्टेन भी और सीमेन स्टेन भी है। आयो जो है या फिर जो कलेक्ट कर रहा है पर्सन, उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया कि इसमें दो स्टेन है, उसको एक साथ पैक कर दिया, राइट। पैक करने के बाद फॉरेंसिक लैब में भेजा और इसका रिक्वायरमेंट ये है, क्वेश्चनिंग ये है कि ये जो ब्लड ग्रुप है, जो सीमेन है, अकॉर्डिंग टू हिम इट्स ओनली अ सीमेन, राइट। अब पूछ रहा है कि सीमेन से बताइए कि कौन सा ब्लड ग्रुप का सीमेन है, राइट। जब एक एनालिसिस हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि ये जो है इस स्टेन का ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, ठीक है, जबकि वास्तव में कल्प्रिट का ब्लड ग्रुप ए था और विक्टिम का ब्लड ग्रुप बी था। मीन्स ये फॉल्ट कैसे आया, क्योंकि हमने उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया अच्छे से, हमने जो है स्टेन को एक साथ कलेक्ट करके भेज दिया, ठीक है, ऐसा नहीं किया कि दोनों स्टेन को हम सेपरेट कलेक्ट करें। मे बी और एक स्टेन का सीमेन का हो सकता था, एक स्टेन ब्लड का हो सकता था, मे बी एक ब्लड का दूसरे पर्सन का हो सकता था, एक ब्लड दूसरे पर्सन का हो सकता था स्टेन, राइट। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ही क्राइम सीन पर जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑल द आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिटी आर समटाइम कॉन्शियसली आर अनकॉन्शियसली करेक्ट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मीन्स कि हर जितने भी हम अपना रिपोर्ट देते हैं, जितने भी हम कोई भी पहचान करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस पर ये डिपेंड करता है,
ठीक है. इट मीन्स कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉरेंसिक एनालिसिस आर डिपेंड ऑन द मेथड यूज्ड एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके, दिस ऑल पॉइंट्स शुड बी कंसिडर इन द माइंड. मीन्स कि कोई भी हम चीज़ को रिपोर्ट दे रहे हैं या कोई भी हम फाइंडिंग निकाल रहे हैं तो उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम उसका एडवांटेज क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए भी हम कंक्लूजन देते हैं. ठीक है, मीन्स ऑल रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्लियर. नेक्स्ट लॉ इज, दैट इज द लास्ट लॉ, दैट इज सर्कमस्टांशियल फैक्ट. मीन्स फैक्ट डू नॉट लाई, मैन कैन डू. मीन्स फैक्ट जो है, कोई भी फैक्ट जो है कभी झूठ नहीं होता है. कोई भी साइंटिफिक फैक्ट जो है वो झूठ नहीं हो सकता, जबकि कोई पर्सन झूठ हो सकता है, झूठ बोल सकता है और बोलता भी है. राइट, मीन्स फैक्ट नेवर लाई बट मैन कैन लाई. फैक्ट कैन नॉट बी रॉन्ग, इट कैन नॉट बी लाई. ठीक है, मीन्स कि किसी भी स्टेटमेंट के बात करें, किसी भी टेस्टिमनी की बात करें, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द विटनेस टेस्टिमनी और अ विक्टिम स्टेटमेंट. सपोज इफ एनी पर्सन इज कॉल्ड फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इन द कोर्ट, राइट, देन देयर इज द चांसेस दैट ही कैन प्रोवाइड अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड इट मे नॉट बी इंटेंशनली ऑल्सो. देयर मे बी चांसेज दैट दे हैड टेकन आर ऑब्जर्व मिस्टेकन और इन एनी एजम्पशन, ही इज मेकिंग एनी एजम्पशन, हो सकता है ना. मीन्स कि आई विटनेस जो है झूठ हो सकता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है. ठीक है, अनइंटेंशनली इस तरह की वो चीज़ों को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया हो या फिर कुछ अपना एजम्पशन बना रहा हो कि ऐसे ऐसे हुआ होगा. बट अगर जो क्राइम सीन पर फैक्ट दिख रहे हैं कि ब्लड है, यदि ब्लड से हम डीएनए सैंपल निकाल रहे हैं और ये पता चल रहा है कि इस ये जो डीएनए है वो एक्स पर्सन का है, ठीक है, जबकि आई विटनेस बोल रहा है कि ये बी पर्सन का है, इस केस में जो है फैक्ट जो है सही होगा बजाय कि आई विटनेस. राइट, मीन्स फैक्ट डू नॉट लाई, फैक्ट कभी भी झूठ नहीं बोलते. क्लियर, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच. We'll be right back.